ये कौन सा निम्बेश्वर जी आ गया? चलो आज दिखाते हैं कौन से निम्बेश्वर जी आ गए। कहाँ से आ रहे हो आप लोग? वहाँ से, आप से दूर से काम करते हैं वहाँ। वो आगे कोई मंदिर है क्या? ऊपर जाते हो आप लोग? हाँ। कैसा है ऊपर? अच्छा है, घूमने लायक है, जाओ। सीढ़ी है? हाँ। हम भी वहीं जा रहे हैं देखने। हाँ। क्या नाम है मंदिर का? जी का मंदिर है, आप देख सकते हो, देखने के लायक है, घूम के आ जाओ। तो वहीं पे काम कर रहे थे क्या? नहीं, हम तो इस नदी पर कर रहे थे, वो तो बहुत दूर है थोड़ा। अच्छा, वो दूर है थोड़ा, मंदिर दूर है। हाँ। ये वहाँ पे अभी कौन मिलेगा? कोई पुजारी वगैरह मिलेंगे क्या? सब रहते हैं पुजारी वगैरह, सब कुछ रहते हैं। अच्छा, ठीक है, खाना पीना सब है। ठीक है, ओके। बाय बाय। एकदम पक्का टावर रोड नहीं है पर पानी नहीं भर सकता इस रोड पे, एकदम साफ सुथरा रोड है, आराम से गाड़ी चल जा सकती है। और हम लोग जिस जगह तक पहुंचेंगे ना, वहाँ प्रॉपर पार्किंग स्पेस दिया हुआ है, आप गाड़ी वहाँ पे रोक सकते हैं, खड़ी करेंगे। फिर उसके बाद थोड़ा सा सीढ़ियों से, मुझे भी नहीं पता है पर जितना मुझे मैंने सुना है वो मुझे ये मालूम चला है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ नहीं हैं, तो थोड़ी कुछ शायद 100 या 80-50 ऐसी कुछ सीढ़ियाँ होंगी जिन पर चढ़ के हम लोग महादेव जी के दर्शन करेंगे। सब करेंगे। ये अच्छा, आगे मगरे में मंदिर है तो गाड़ी ठेठ वहां तक जाएगी मंदिर तक, या पहले ही रखनी है? हमें पहले रखनी पड़ेगी। फिर सीढ़ियां हैं तो कितनी होंगी सीढ़ी? ज़्यादा ऊंचाई है या आराम से जाएंगे, कोई तकलीफ नहीं? आराम से जाएंगे, मतलब 150 सीढ़ी हैं। तो बच्चे बच्चे जा सकते हैं आराम से? आती है क्या फैमिली वैमिली? अच्छा, रोज या कभी कभी? रोज। तो पुराना मंदिर है क्या? गंगा बेरी जो लिखा हुआ है क्या ऊपर, कोई गंगा बेरी है क्या? तो सूखती नहीं है क्या वो? अच्छा, इसलिए नाम होगा गंगा बेरी। अच्छा, ठीक है। लोगों को इस जगह के बारे में मालूम ही नहीं है, फालना सांडेराव के लोगों को, बहुत कम लोगों को इस बारे में जानकारी है। जो लोग रोज निकलते हैं ना, सिर्फ उनको ही पता है इसके बारे में। अब पता चल जाएगा। तो ये है मंदिर की एंट्री, यहाँ पे हम लोगों ने गाड़ी पार्क कर दी है, यहाँ तक गाड़ी रख सकते हैं और हम लोग ऊपर जा रहे हैं। चलो चलो। चलो चलो। अरे तो बहुत नजदीक है यार। हाँ, और सीढ़ियां भी इस तरीके से बनाई हैं कि आराम से बच्चे लोग, लेडीज लोग सब आराम से चढ़ सकते हैं। अब पापा का नंबर आ गया। बना के दिखाओ। मैं भी बनाऊं? हाँ ठीक है, चलो अपन भी बनाते हैं।
मेरे लिए आप पत्थर इकट्ठे करके ला के दोगे? ओके। ये वाले पत्थर ले लेते हैं। ऐसे ऐसे। हाँ ऐसे एक के ऊपर एक जमा लो। एक के ऊपर एक। तो ये है मंदिर का एंट्रेंस और ये है मंदिर अपना। चलो मंदिर के दर्शन करते पे शिवलिंग है। ये गंगावेरी अंदर है। आओ वो देखो। अच्छा गंगावेरी अंदर है। यहाँ पे ये अंदर गंगावेरी है। ये जो ढक्कन ढका हुआ है ना, इसमें हमेशा 365 दिन सर्दी गर्मी बरसात हमेशा पानी रहता है, कभी सूखता नहीं। और इसी पानी से शिव जी को जल चढ़ाया जाता है रोजाना। अच्छा? जो मटकी भरी हुई है ना, ये यही पानी है, यही पानी चढ़ता है रोजाना। निम्बेश्वर जी है, निम्बूरनाथ मेन ये है। ये जगह निम्बूरनाथ है, उसकी अभी इन्होंने पुरानी ऐतिहासिक स्टोरी सुनाई है। वो जो निम्बेश्वर महादेव नीचे जो बसावट हुई है ना, वो इनके बाद में हुई है। अच्छा। ये ऐसा बता रहे हैं लगभग 313 साल पुरानी जगह है। और ये 313 साल पुरानी है, और वो उसका नहीं पता, पर उसकी स्थापना बाद में हुई है इनके। तो गाइस ये बता रहे हैं कि 313 साल पुराना मंदिर है, और पहले ये मंदिर स्थापना हुई थी, बाद में जो अपना निम्बेश्वर महादेव है जो अपन का सिटी में है वो बाद में बना है। और दूसरा, यहाँ इसको गंगावेरी इसलिए बोला जाता है कि यहाँ पे हमेशा पानी का स्रोत रहता है और यहीं से जल ले जाकर यहाँ पे शिव जी पे चढ़ाया जाता है। 365 दिन यहाँ पे पानी रहता है, तो दैट इज वेरी अमेजिंग। जय हनुमान जी। शाम को एक गाय शाम को यहाँ आती। अच्छा। और यहाँ पे दूध देते तो पीछे पीछे गाय चढ़ा हो रही आए, क्योंकि उधर नहीं गाय कहाँ जाती। फिर यहाँ पे देखा तो शिवलिंग को सब दूध मिलता। अच्छा। फिर उसको मैंने भोलेनाथ पत्थर दिया, तो फिर कहा कि भाई मेरे को कुछ दो। तब इन्होंने कहा कि अब तुम्हारे से पहले मेरा नाम। अच्छा, ये देवासी ने। हाँ। अच्छा। जब नाम रखा है शंकर भगवान ने कि निम्बे सर महादेव, बोले निबोरा नाथ। अच्छा। निम्बेश्वर महादेव तो ये है और निबोरा नाथ ये। अच्छा, मतलब पहले नाम इन्हों का आएगा। हाँ। उसके बाद में भोलेनाथ का नाम आएगा, ये बात है। तो ये मतलब बहुत पुरानी, बहुत पुरानी थी भोलेनाथ के साइन की इतिहास। हाँ। ये जो झोपड़ी है सामने, उसके अंदर भोलेनाथ विराजमान। अच्छा। तो ये पीछे पूरा पहाड़ जो गया है, बचड़ा है, ये तो मतलब पुराने, मतलब जिस जगह अपन खड़े हैं उससे पीछे पहाड़ियाँ हैं। और ये सब पहाड़ी पहाड़ी, ये सब पहाड़ी है, पूरी पहाड़ी। अच्छा। इसके ऊपर भी एक ऋषि मुनि का पर्वत, इसके ऊपर घूमना है। अच्छा। उससे भी ऊपर है। अच्छा, वहाँ कैसे जाने का रास्ता है कुछ? यहाँ से। अच्छा, पैदल पैदल। हाँ, पैदल यहाँ से जाना पड़ता है। ऊपर जो ओम लगा हुआ बड़ा। अच्छा। गुफा भी देखते हैं। कोई छोटे बड़े कोई नहीं, बड़े नाच भी आते हैं यहाँ पर, अजगर भी आते हैं। अच्छा, आ जाते हैं। हाँ। तो अंदर जाना तो मतलब ठीक नहीं है। नहीं, वो अपन से नहीं जाए, अपन नहीं जाने। ये तो ये साधु का काम है। हाँ, ये जा सकते। आप कभी अंदर नहीं गए? नहीं नहीं नहीं। इधर आ जाइए, देखो टॉर्च लाइट मार के। अच्छा, ये सक्रिय होती जा रही है? बिल्कुल, ये सकड़ी सकड़ी ऊपर और अंदर जाके खुली है। ये शाबाश, क्या नाम है तुम्हारा? कटक गया, मेरा मतलब कौन है? किशोर। किशोर? कहाँ तक पहुँचे थे? ऊपर ढूंढा पे? कहाँ तक पहुँचे थे? ऊपर कहाँ तक? ढूंढा पे।
ऊपर धुने पे क्या कर रहा हुआ क्या क्या कर रहा था देने को है बावसी के माँ का फोटो और क्या क्या है बताओ ये भी माँ का फोटो ये किसका किसका वो है कौन रहता है बावसी ये बावसी अच्छा ये उपली कौन है ये धोनी का उपली धोनी का अच्छा ऊपर है ये धुनी है जो हमेशा जला के रखते हैं यहाँ पे देखो ये आपको बिस्किट मिल गया ठीक है कौन सा बिस्किट मिला है आपको पार्ले जी अच्छा लग रहा है माँ दरवाजो करी अच्छा है ना देवी बेली आ गई माँ गंगा मेरी पुराना स्थान 350 साल थी यहाँ पर अभ्यास मिला हुआ गंगा के जल है यहाँ पर निभे के नाथ निभोरा नाथ निभरबरी को मिले गंगा मैया और निभरबरी को गाय और सराते हुए मिले महादेव शिव और पार्वती यहाँ पर मिले हुए बहुत पुराना स्थान है ये स्वागत है हमारे यहाँ बबूती और धुना है ये लेने से मनकों की बीमारी करती है छिट्टी वाले आपको सब निवेदन है आपके एरिया में जंगल में इतना बड़ा पहाड़ है उसमें महादेव रहता है धुना रहता है गंगा मैया रहती है कभी तुम दर्शन करने के लिए पधारे हमारा गंगा वेरी का निम्बेश्वर नाथ और इसको कहते हैं पुराना निम्बेश्वर नाथ अच्छी जगह है इंटरेस्टिंग जगह है फैमिली के साथ पिकनिक कर सकते हैं यहाँ जाके थोड़ी सी सीढ़ियाँ हैं और ऊपर जाके एक मंदिर है बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं है एरिया बट सबसे अच्छी बात यह है कि शांति है काफ़ी नेचुरल ब्यूटी है और मज़ा आने वाला है वहाँ पे पिकनिक कर सकते हैं वहाँ पे गैस वगैरह भी है तो आप अपना सामान ले जाके वहाँ पे कुक कर सकते हैं कुक करवा सकते हैं खुद खा सकते हैं सबको खिला सकते हैं तो फालना वासियों आपके घूमने का जो अब नेक्स्ट स्पॉट है वो है गंगा वेरी निम्बेश्वर नाथ पुराना वाला सो आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बाय बाय और हाँ अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो अब जरूर कर लेना वो देखो रेड वाला जो बटन है ना सब्सक्राइब का उसको जरूर दबाना एंड प्लीज लाइक दिस वीडियो बाय बाय